हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 सारी बधाई हो, और लोहड़ी की भी। सॉरी, कल लोहड़ी का व्लॉग बनाना भूल गए हम। एक्चुअली हम ना बेबी का कल फोटोशूट में लगे रहे पूरे दिन, और बाद में हमें याद आया कि हमें इसका एक प्यारा सा व्लॉग भी बनाना चाहिए था। मेरा छोटा बेबी ये सो रहा है अभी यहाँ पे, और आज इसको एक्चुअली मेरे बेबी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो आज हम इसकी बहुत 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 सारी फोटोज खींचने वाले हैं। लेकिन क्या उससे पहले है? ये देखो, मेरे भाई को टॉर्चर करा जा रहा है। क्यों परेशान कर रहा है उसको? अब जा। सुनो, कह रहा मामा मेरी भी संक्रांति है, मैं भी बेतू। चढ़ो ऊपर, चढ़ो ऊपर, चढ़ो, चढ़ दो ऊपर, चढ़ो, चढ़ो ऊपर, चढ़ो ऊपर, आ ऊपर बैठ, ऊपर बैठो। सुनो, अपनी मर्जी से चढ़ेगा, ठीक है? हाँ, अपनी मर्जी से। ये ऐसे सारे दिन इसको परेशान करता रहता है, और मेरा तो अभी थोड़ा सा इग्नोर करा जाए, क्योंकि बाहर ठंडा बहुत है, तो मुझे अभी थोड़ी देर में नहाना है। मैं फिलहाल नहीं नहाऊंगी, और आज मेरे बाबू को परीक्षा मिलेगा। परीक्षा बोल बोल रानी, क्या चाहिए? ओह, पैसा चाहिए अपने को, पैसा चाहिए। मामा दे रहा है पैसा। मामा पूरे 5 रुपए लेता है मेरा बेटा। ओ, 100 रुपए मिल गए। अब देख पकड़ेगा कैसे। खाना खिला मेरे बेटे को। खाना दोपहर में आके खिलाएंगे। कह रहे खाना दोपहर में आके खिलाएंगे। देखते हैं नोट पकड़ता है नहीं पकड़ता। हाथ तो बड़ी कसके पकड़ते हैं। फेंकेगा 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 फेंकेगा। चलो जाओ। ओ, पैर छू रहे मामा। बोलते अगले साल मामा खाना खाऊंगा मैं। अगले साल खाना वापिस भी दे दियो उसने। पगलिया ने मेरे तक संक्रांत पैसे देने चाहिए अपने भांजे भांजियों को, बहनों को। मुझे भी दे पैसे, मुझे भी दे। तो क्या अपने भाई भाई को दे रहा है? अरे चल पागल, सच्ची में दे रहा है तो? चल तो बहनों को भी दे देते हैं। कोई नहीं, नहीं फिर वो ज्यादा निकाल रहा है, मैं नहीं ले रही। कोई नहीं, मैं बेतु को दिए ना। मैं बेतु इम्पोर्टेंट है। दीदी को छोटा बेबी छोर है। दोनों माँ बेटे आधे आधे कर ले। क्या रहे? दोनों माँ बेटे आधे आधे कर लेना। भी छोटा बेबी छोर है भी बब्बू। थू थू थू। अभी थोड़ा सा साफ सुथरा बन के तैयार हो जाती हूँ। मम्मी मस्त मस्त ब्रेकफास्ट बना रही है, दिखाती हूँ क्या लगी पड़ी मेरी माता किचन में बनाने। तो ये शीनू के पापा आ गए हैं, और शीनू बगलाते हुए। क्या हो गया, याद आ रही थी? अरे 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 अरे, तू शर्म नहीं आती वीडियो में छोटा बच्चा टॉर्चर कर रही हो? ऐसे इसी पे बैठो, फोटो खींचने में बाबू की, अड़ जाओ। और दीदी ये कर क्या रही हो वैसे? बाबू को फोटो की तैयारी कर रही। खाली तो खींची थी कल, लोहड़ी वाली थी, संक्रांत वाली। अरे वाह, इतना भी आई पी आज 1 महीने का हो गया है का वैसे? बेबी बेबी अभी सो रहे हैं, बाद में दिखाएंगे बेबी को, चूल्हे में पैक है। अब खाने का ही कर सकते हैं। ये जबरदस्ती छोटा अच्छा जगा रही है। फोटोग्राफर्स बेचारे ऐसे होते हैं, फोटो खींचने का सेट तैयार करके बैठे रहते हैं। बच्चा जगेगा तो फोटो खींचेगी। फोटो की अच्छी नहीं आ रही ना। हम भी देखे जरा कैसी आ रही है। सड़ा सा मुंह, उनके पापा खींचेंगे फोटो। ठीक है, थोड़ा सा पापा खींचेंगे फोटो। ये पापा इनके फोटोग्राफर बने हुए हैं। अरे मम्मी कैमरा देख रही हो कैसे सेट कर रहे हैं? हम भी देख लेते हैं। एकदम ऊपर से खींचो, एकदम ऊपर से, ऐसे बेबी, ऐसे ऐसे। मेरे में तो मेरे बाबू बड़ा प्यारा। और ये हो गया फोटो शूट खत्म। पाउट बेबी, दोनों पापा बेटा सेम फेस बना रहे हैं दीदी। और अब सेटअप बस इतना सा हो गया। वो आ गए थोड़ा सा, मुझे भी ठंडा लगेगा ना। वो आ गए थोड़ा सा, मुझे भी। दो बार ले ले, दो बार आओगी भाषा में कई सारे, दो बार ले ले। अरे अब उसे कंबल उड़ा दो, ठंड लगेगी। हटो, पैक करके। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। ये देखो दीदी, और आप कितनी एक्साइटेड हो? इतनी ज्यादा। और वो कितने? और मैं जिम जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। और इतने साल में इनका एक लड़का भेज भी रही हूँ वापस लेके जाओ अपने बच्चे। तीन तीन लड़के सर पे रखे। कहाँ है वो लड़का? ये रहा वो लड़का, ये जाएगा बेबी। बाकी
सोनी दीदी, मम्मी, मैं सब तैयार हो चुके हैं। कौन बच्चा? हेलो करो। सुबह से चल रहा है। नहीं बन जा रही। अच्छा एक बार दिखाना एक बार। ये देखो, ये फालतू लोग पता नहीं क्या ब्लॉग बना रहे हैं। सबको दिखाने तो होता है ब्लॉग में, दिखा दिया मैंने। जी ये देखो, हम लोग तो मंदिर के लिए निकल रहे हैं अलग, और शीनू को हम भेज रहे हैं इसके पापा के साथ। शीनू पापा के साथ जा रहा है। इसको ना मतलब थोड़ा सा अपने पापा मिस कर रहा था, 3-4 दिन से आए हम लोग, तो मैंने कहा तू निकल अपने बापू के साथ और हम अपने बापू के साथ जा रहे हैं। देखो उनके लिए जगह कर रहा है, कह रहा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तुम गाड़ी चला लेना पापा। अमन तू बैठे रहते, बैठने देते नहीं देता। अरे एक दिन मैकेनिक था ना पापा, उसको घूसने लगा। हाँ शीनू, हाँ अमन को बैठने दिया, इसने बैठने नहीं देता किसी को जल्दी से। बाय बाय बहु, बाय कर दो इसे, बाय। देखो इसके पापा को बाय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया मेरे साथ। बाय बाय। अमन बैठने से दूर ही करेगा। हाँ अमन को जानता है ना ये, इसलिए कंफर्टेबल। बाय। ओए शीनो, कह रहा है कुछ नहीं होता, इसके बाबा इशारे कर रहे हो। वो भोकिंदा गाड़ी में से बैठा निकल के तो यहीं आएगा। इधर आ, इधर बिट्टू भाई। शिनू खोलो 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 बेटा, बेटा मम्मी को बचाओ, मम्मी को बचाओ बेटा। देखा मामा होती है, नहीं बचाओ, मम्मी बच गई बेटा, बची हुई है। तो जी दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर के लिए हम लोग आ गए, और ये देखो मैंने अपनी गठरी रास्ते में उसको दी थी, ये रही। पूरे रास्ते में लेके आई और रास्ते के बाद अब ये लेगा, और मैं आराम से लेट के सोते हुए आई, थोड़ी थोड़ी सो भी गई मैं रास्ते में। अब बहुत ठंडी है बिल्ली, ऊपर सर पे ले ले भैया, हुई है मनाली में पकड़ में अपना टोप। हाँ मैं शॉल ले मैं, तो बहुत तेज ठंड लगते हुए मैं रैप हो चुकी हूँ, और ये पीछे आ रहे सारे। आज ठंड इतनी हो रही है। तो जी अंदर आ गए हम लोग, अभी जस्ट एंट्री हुई है हमारी, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये देख कितना सुंदर तरीके से नाम खाटू श्याम दिल्ली धाम। पहली बार आ रही हूँ मैं यहाँ, ससुराल मायके सबसे लोग आ चुके, पर मेरे को एट द एंड मेरी फैमिली के साथ ही आना था, तो मैं फैमिली के साथ ही आ रही हूँ, क्योंकि कोई और तो हमें लेके आता नहीं है। पतिदेव को बस लेके आने का रह गया था मन, पर बेबी बहुत थके हुए थे, तो ही सेड कि मैं आज नहीं जा रहा, मैं और तू फिर चलेंगे किसी दिन। मम्मी ने स्पेशली उनको बुलवाया भी, लेकिन वो शीनू को लेके घर चले गए, और शीनू इतनी खुशी खुशी उनके साथ चला गया घर। तो मैं पहले आगे निकलती हूँ और फिर आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बोल जाएंगे तो मेरे। किसके कह रहे हो? पापा लोग बेबी का फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट करने आ तो गए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ देखिए लाइन कितनी लंबी है, पता नहीं अब कितनी देर में बाबा जी के दर्शन होंगे। बहुत लंबी लाइन है, पर अच्छा इतना लग रहा है यहाँ पे देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। जय। और ये भीड़, ओपी खांड, ओपी मिठाई, फूल, मोरपंख। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, छोड़ो वैसी हो जाएगी व्लॉग में। यार मैं चुप रहा है, ठंड है भाई, बहुत भीड़ है। मैं आगे चली जाती हूँ सबको छोड़ के। वीडियो में क्यों जैसे कि मंदिर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे सारी जनता। दीदी सारी जनता देख रही है पीछे की भीड़, और ये फालतू जैसे कि देख सकते हैं हम लोग अभी तक लाइन में खड़े हैं, पीछे भीड़ देखी है, आगे भीड़ देखी है, बहुत ही ज्यादा लंबी भीड़ है, और इसको भी देखिए। मैं क्यूट सारे बंदे भीड़ में खड़े हैं यहाँ पे, राजस्थान वाले खाटू श्याम जितनी भीड़ नहीं है, बट उससे कम भी नहीं है, बहुत लंबी लंबी भीड़ है पीछे तक जा रही है भीड़। Yeah. 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 Ye
हरे के सहारे की जय, खटू वाले की जय, बाबा श्याम की जय। बाबा खाटू के दर्शन हमें दिखने लग गए लगभग एक घंटे लाइन में लगने के बाद हमें हमारे बाबा जी थोड़े थोड़े यहाँ से दिख रहे हैं और ये फैमिली के सभी लोग आगे लगे हुए हैं मुझसे, बहन वहन ये सब लगे, भाई पापा उधर है और ये यहाँ का खाटू जी का घंटा है, ये 800 किलो का है, 800 किलो का देखिए। और मुझे ठंडा लग रहा था थोड़ा सा और फिर ऑब्वियसली बेबी की वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, देखिए भाई की जैकेट उतरवा के मैंने पहन ली मतलब वो बेचारा एक सिंगल उसमें हुडी में घूम रहा है, पर कोई नहीं भाई है, मामा है बेबी का, चलता है इतना। ये आगे चल रही है, भाई फोटो खींच रहा है और ये देखिए जय श्री खाटू श्याम, ये दिल्ली वाले प्यारे हमारे खाटू जी है। आगे पता नहीं फोटो खींचने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं से आप सबका दर्शन करा रही हूँ, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और मेरा बाबू अभी तक सबकी गोदी में घूम रहा है मेरे को छोड़ के मैं मजे से घूम रही हूँ यहाँ सारे में, कितना सुंदर है, पहली बार आ रही हूँ और इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी बाबू का फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो जी ये हम आ गए बिल्कुल अपने श्याम बाबा जी के सामने और ये उनका लाडला प्यारा सा घोड़ा, बड़ी जुगाड़ से ये वीडियो हमने छुपा छुपा के बनाई थी, अलाउड नहीं कर रहे थे हम लोगों को, लेकिन ये मोमेंट इतना अच्छा था कि मुझे कैप्चर करे बिना रहा ही नहीं जा रहा था, तो बस जैसे तैसे हमने फटाफट से ये शूट कर लिया था थोड़ा सा आप लोगों के लिए। तो मंदिर में घूमना फिरना भी हो चुका है पूरा पूरा और यहाँ पे पेट पूजा भी हो चुकी है, सारी चिंता बैठ के खा चुकी है, मम्मी लास्ट में भी खा भी रही है। तो जी हम लोगों ने दर्शन एकदम कर लिए, मीनवाइल मेरा बेटा एकदम ये देखो भैया रिक्शा लेके घूम रहे हैं, आटे का और आवाज दे रहे हैं, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है। हम लोग थोड़ा सा खा पी भी लिया, भूख लग रही थी, रुको इधर कैमरा करो, मैं चीज ये बंदे घर से कुछ पहन के नहीं आए, सब जैकेट भी इनपे, चुन्नी भी इनपे, सब इनपे है। तो खाया पिया हमने अच्छे से और बड़ा मजा आया, बड़ा ही मजा, खाना पीना बड़ा टेस्टी था यहाँ का, थोड़ा थोड़ा ही खाया हालांकि हमने। और वंस अगेन बच्चे की मम्मी सबसे ज्यादा खाली चल रही है, बच्चा इस टाइम उसके 6'2" के पास है वो एंटीना हमारा बच्चा लेके घूम रहा है। और आप लोग भी अगर यहाँ आसपास कहीं रहते हैं तो मस्त विजिट करो, दिल्ली आते हो तो मस्त विजिट करो, बहुत बहुत सुंदर है, मतलब मुझे लगता बाबू का फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट करने के लिए इससे अच्छी जगह हो सकती थी। एग्जिट है ना ये हम लोग निकल गए और ये एग्जिट है और ये मेरे खानदान वाले हैं जो कि अब गेट आउट हो रहे हैं। जय श्री श्याम, बाहर निकल के करते जी। हम लोग घर आ गए हैं और आके मैंने चेंज कर लिया, वंस अगेन अपनी ये सदाबहार जैकेट पहन ली है और जब तक मैं मम्मी के घर हूँ ये जैकेट आपको बहुत दिखने वाली है क्योंकि ये मुझे बहुत कंफर्टेबल और बहुत पसंद है, और मेरी गोलगप्पी ये सॉरी रेड टोपी में, और हम स्पेशली इसी को घुमाने लेके गए थे नानक पियाऊ और खाटू श्याम जी मंदिर, बट ये थ्रू आउट सोता ही रहा, मतलब थ्रू आउट ये सिर्फ सोया है, एक बार इसने फीडिंग के लिए जागा बस और उसके बाद ये सोता ही रहा है। और अब मुझे पूरी गारंटी है कि जिस तरह ये अभी भी सो रहा है ये रात में मुझे बहुत जगाने वाला है, बट कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए तो जागना ही पड़ता है, दैट इज टोटली फाइन टू अस। बाकी इसका फर्स्ट मंथ बहुत ही प्यारा प्यारा बीता, भगवान करे मेरे बेबी की पूरी लाइफ ऐसे ही फुल ऑफ ब्लेसिंग्स बीतती रहे, और थैंक यू सो मच आप सबका मेरे बेबी को इतना सारा प्यार देने के लिए, और आप सबकी मकर संक्रांति भी आई हो बहुत बहुत अच्छी बीती होगी। और अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हमारे चैनल को और हमारे छोटा बेबी को प्यार करते रहिएगा, बाय बाय।